खरखौदा एसडीएम खरखौदा डॉक्टर अनमोल ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने कहा कि शहर में कहीं पर भी शिविरों का कोई मैनहोल खुला नहीं मिलना चाहिए। इसे सबसे पहले पुख्ता किया जाए ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा सामने न आए। इसके साथ ही पानी निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बरसात से पहले शहर की पानी निकासी दुरुस्त हो। इस अवसर पर एसडीएम ने क्षेत्र में चली हुई सीएम घोषणाओं की मौजूदा स्थिति जानकर जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों पर किए जा रहे कार्यों के काम को जल्द पूरा किया जाए, वहीं बिजली की लटकती तारों के कारण किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पैदा न हो यह सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान एसडीएम ने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व शौचालयों की व्यवस्था जल्द करने को कहा ताकि बच्चों के पहुंचने पर उन्हें परेशानी न हो। एसडीएम ने इस दौरान कहा कि आज की बैठक में जो समस्याएं सामने आई हैं वे अगली बैठक में खत्म हो जानी चाहिए। एसडीएम ने कहा कि शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए, सड़कों पर लगने वाले जाम से लोग परेशान हैं। इस पर नगरपालिका व पुलिस मिलकर कार्रवाई करे, जिसकी अगुवाई वो खुद करेगी। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी, जिस खरखौदा में हो रहे विकास कार्यों में तथा जो आम जन को जो नागरिक सुविधाओं को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों के सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि आम जन को कोई परेशानी ना हो तथा शिक्षा तथा इनके जैसे आम मेन जो प्रॉब्लम्स है कि गंदे पानी की निकासी, इनको लेकर सख्त हिदायतें अधिकारियों को दे दी गई हैं कि कोई भी परेशानी किसी भी नागरिक को ना हो। जैसे जो गंदे पानी की निकासी और एक गंदा पानी की उसकी समस्या आ रही थी कि सप्लाई का पानी गंदा था, तो उन जैसे जो आम जन की जो इंस्टेंट थी और सीवरेज के ढक्कन इनको कहीं कहीं नहीं थे, तो उनमें उनको बिल्कुल टाइम बाउंड की 1 और 2 डेज का टाइम जिनमें हो सकता है, और एक हफ्ते में हमने डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि व्हाट वी कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम परमानेंटली। उसके लिए हमने SHO को आज निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ जहाँ भी जाम की जो स्थिति रहती है, एक तो वहाँ किसी भी अपने अधिकारी को नियुक्त करें ताकि वो जाम को आवाजाही को सुगम बना सके। हरियाणा लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।